गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हमने आपको पिछले कुछ मॉड्यूल्स में ये बताया कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। विराम यानी रुकना, चिन्ह यानी कि रुकने के निशान, ऐसे निशान जो आपको बताते हैं, ऐसे चिन्ह जो आपको ये बताएं कि भाषा में लिखते या बोलते समय कहाँ पर कितना रुकना है, वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मय सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह और भी कई सारे। तो इन सारे विराम चिन्हों के प्रयोग से हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं। कुछ विराम चिन्ह से आप जानते हैं तो उनका हम रिविजन करेंगे और किन कुछ ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम अभी सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूर्ण विराम से। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग आप भलीभांति परिचित हैं, लेकिन तो भी एक बार दोहरा लेते हैं। पूर्ण विराम यानी कि होता क्या है? पूर्ण विराम होता है ये रेखा, यानी कि आप ये बड़ी जो रेखा बन के जैसे लिखते हो, इसको कहते हैं पूर्ण विराम। अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगाते हैं, डॉट की तरह हिंदी में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है पूर्ण विराम का प्रयोग किया कहाँ जाता है, तो वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम। कहाँ पर? वाक्य के अंत में, जहाँ पर आपका सेंटेंस, आपका वाक्य खत्म हो रहा है, वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में सेंटेंस कंप्लीशन पे फुल स्टॉप डॉट लगती है, हिंदी में हम पूर्ण विराम ये रेखा खड़ी खींच के लगाते हैं। ठीक, अब बात आती किस प्रकार के वाक्यों में पूर्ण विराम लगता है। जैसे कि मैंने कहा सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, तो हम लिख सकते हैं सूर्य पूर्व से उदय, उदय होता है, उदय होता है उगता है, सूर्य पूर्व से उदय होता है। वाक्य हो गया कंप्लीट, आपकी बात खत्म हो गई, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ आपने लगा दिया ये रेखा यानी पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया, देखा सूर्य पूर्व से उदय होता है, फुल स्टॉप। हम कक्षा में पढ़ते हैं, हम दूसरा वाक्य लिख सकते हैं हम कक्षा में पढ़ते हैं, यानी कि हम कक्षा में पढ़ते हैं, हमारा काम पढ़ने का है, वहाँ पूरा वाक्य खत्म, पूर्ण विराम हो गया। तुम मेरे अच्छे मित्र हो, तुम मेरे अच्छे मित्र हो, एक बात कही मैंने, तुम मेरे अच्छे मित्र हो, यहाँ पर एक बात कहती मैंने, मेरी बात पूरी हो गई कि तुम मेरे अच्छे मित्र हो, बस। तो ये वाक्य पूरी हुई, तो यहाँ पर वाक्य के पूर्ण होने पर हमने लगा दी पूर्ण विराम। हम विराम चिन्ह का अध्ययन कर रहे हैं, हम विराम चिन्ह का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया हम विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं पूर्ण विराम। तो हर एक वाक्य के अंत में आपने ये रेखा खींची, ये रेखा खींची, ये और ये, तो ये सारी रेखा पूर्ण विराम है और जो आपको वाक्य की समाप्ति का बोध करा रही है, क्योंकि आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है। अब मैंने आपसे ये कहा क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, मेरा वाक्य खत्म हो गया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, वहाँ पे मैं पूर्ण विराम लगाऊंगी, नहीं। तो पूर्ण विराम उन्हीं वाक्यों में लगाया जाता है जहाँ पर सीधा वाक्य हो, आप किसी से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हो, ठीक है, मैं घर नहीं आ सकता पूर्ण विराम, मुझे तुमसे बात नहीं करनी पूर्ण विराम, तब भी लगा सकते हो। जब आप किसी को मना करते हो किसी चीज़ के लिए तब भी पूर्ण विराम लगा सकते हो, लेकिन किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, जब पूर्ण विराम नहीं लगता है। तो ध्यान रखिए कि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, वाक्य नॉर्मल हो तो पूर्ण विराम, साधारण हो तो पूर्ण विराम, वाक्य में आप किसी को कुछ काम को मना कर रहे हो तो भी पूर्ण विराम, लेकिन अगर प्रश्न पूछ रहे हो तो पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करना, उसके लिए हम दूसरा विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप लिख लीजिए पूर्ण विराम, उसका चिन्ह कौन सा होता है, उसका प्रयोग कब करते हैं और उसके कुछ उदाहरण कौन से हैं। कॉपी में लेखबद्ध कीजिए विराम चिन्ह, पूर्ण विराम कौन सा है, उसका चिन्ह, उसकी परिभाषा और उसके प्रयोग। इस प्रकार हम आपको सभी विराम चिन्हों से
परिचित कराएंगे। तो करिए अभ्यास कॉपी में और याद भी कीजिए। अगले विराम चिन्ह के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।